सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोतिहारी रेड क्रॉस में रक्त कोष बढ़ाने के लिए आज रक्तदान किया। वात्सल्य नर्सिंग होम में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह ने फीता काटकर किया। कहा कि कोरोना के संकट के कारण देश में खासकर मोतिहारी में रेड क्रॉस के पास खून की उपलब्धता कम हो गई है, लिहाजा आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने शहर के हॉस्पिटल रोड स्थित डॉक्टर स्वाति सिन्हा एवं रेड क्रॉस कर्मियों एवं टेक्नीशियन की मदद से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कहा कि हमारी पार्टी सेवा ही संगठन को आत्मसात करते हुए सेवा कार्य कर रही है। मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रक्तदान शिविर के साथ कई स्थानों पर मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी प्रतिबद्धता के साथ सेवा कार्य में लगे हुए हैं। कल 30 मई को भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चों के अध्यक्ष मोहिबुल हक के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समुदाय के 21 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद एवं मार्तंड नारायण सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मोहम्मद कलाम सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मोतिहारी से राजन द्विवेदी की रिपोर्ट। जितने वहाँ कितना बेड लगा? 5 सर 5 ही बेड खड़ा होने का जगह है। तो जितना खून देने वाला है बदलो आ गया उसको कहीं एकदम खड़ा करें। कैसे ना खड़ा होगा।